तो रानो दोस्तों श्रीकाल, मैं आपका अपना वेग बेनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। भाई जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में पूछा था, पिछली नहीं लास्ट टू लास्ट वीडियो में, कि मैं एनिमे के ऊपर वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने हाँ बोला था। एक्चुअली सब ने हाँ बोला था कि भाई एनिमे पे वीडियो ला था। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैंने इडाटेन जंप पे जो मैं वीडियो बनाता था, उससे पहले ही मैंने कुछ एनिमे के ऊपर वीडियो डाले जिनके अंदर मैंने उनका रिव्यू करा है कि वो कैसे आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। अगर आपको एनिमे के बारे में और जानना है, वैसे मैं आगे लाऊंगा एनिमे का कंटेंट, अगर आपको और देखना है तो आप इस वीडियो के बाद उन रिव्यूज़ को भी देख सकते हैं और फिर अदर एनिमे चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज़ जो आज मैं आपको एनिमे के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस एनिमे का नाम है 7 Deadly Sins। और गाइज़ आप मेरे को अगर कुछ मानते हो ना, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करा, मतलब आपको लगता है कि मैं कुछ जानता हूँ एनिमे के बारे में या इडाटेन जंप के बारे में, तो मेरी बस एक बात मान लेना कि ये एनिमे का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर मतलब 7 लोग हैं जिन्हों जो वहाँ के किंगडम के लोग समझते हैं कि इन 7ों ने उस किंगडम को बिट्रे कर दिया। जैसे मान लो इसके अंदर 7 लोग हैं ना, इसके अंदर वैसे ही जैसे हमारे इडाटेन जंप में 6 लेजेंडरी बाइक थी, कुछ वैसे ही इनका कॉन्सेप्ट टाइप है। बहुत ज़्यादा नहीं मिलता लेकिन थोड़ा बहुत मिलता है इन दोनों का, कि यहाँ 7 Deadly Sins है और वहाँ पे हमारी 6 लेजेंडरी डाटन बाइक है। तो मैंने आपको ये एक पॉइंट तो यही दे दिया कि आपको ये एनिमे क्यों देखना चाहिए। अगर आप कोई डाटन जब के फ़ैन हो और अगर आपको शोनेन एनिमे पसंद है, अगर आपको नहीं पता कि शोनेन एनिमे कौन से होते हैं, देखो शोनेन एनिमे होते हैं जो मेनली टारगेट करे जाते हैं टीनेजर्स के लिए, जिसके अंदर मतलब भरपूर एक्शन होता है। जैसे मान लो हमारा ड्रैगन बॉल जी हो गया, डाटन जंप हो गया, बे ब्लेड हो गया, पोकेमोन हो गया, ये सब आते हैं शोनेन के अंदर। और मोस्टली हमारे एज के ग्रुप को यानी टीनेजर्स को मोस्टली ये शोनेन एनिमे ही पसंद है। और ये 7 Deadly Sins भी एक शोनेन एनिमे है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि शोनेन के साथ साथ एचची भी है। आपको ये देखना चाहते हो अपने रिस्क पे देखना। और बाकी चलो अब इस वीडियो को, एक सेकंड में आपको कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। देखो गाइस, अगर मेरी 1-1.5 हफ्ता कोई वीडियो अभी नहीं आती है तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके भाग मत जाना, क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मैं वीडियो इतनी नहीं बना पाऊँगा। तो बस अब इंट्रो लगाते हैं और फिर मैं मिलता हूँ आपको इंट्रो के बाद। तो वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ इस एनिमे में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या चीज़ें मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एनिमे के मेन कैरेक्टर के बारे में। तो इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मेलियोडस। जी हाँ, जो आप ये बच्चे अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताना चाहता हूँ कि ये बंदा मेलियोडस जैसा दिख रहा है ना, ये रियलिटी में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही अलग पर्सनैलिटी, मतलब ये जैसा दिख रहा है ये वैसा है नहीं। और इस एनिमे के टोटल अभी आए हैं, देखो इसके आए अभी टोटल 3 सीज़न आ चुके हैं, जिसमें से 2 सीज़न कैनन है और एक फिलर एपिसोड का है। अब मैं आपको ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि कैनन और फिलर क्या होता है। देखो जो कैनन एपिसोड होते हैं ना, वो होते हैं जो मेन स्टोरी के साथ चलते हैं, जो मतलब मेन स्टोरी चल रही है उसे हम कहेंगे कैनन। और जो मेन स्टोरी के बाहर है ना, जो ऐसी मतलब मजे के लिए बना देते हैं एनिमेटर्स या एनिमेशन आओ, उन्हें बोलते हैं नॉन कैनन। और लेकिन मैंने तो फिलर बोला था। अब फिलर वो होते हैं, जैसे मान लो हम ड्रैगन बॉल देख रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि वेजिटा एक बार गोकू को मारे, तो जो वहाँ के टॉय एनिमेशन है वो ऑन पब्लिक डिमांड एक फिलर एपिसोड बनाएंगे, जिसका नाता रियल स्टोरी से कुछ नहीं होगा। उसके अंदर वो वेजिटा को मारते हुए दिखा देंगे गोकू को, ताकि हम ऑडियंस भी खुश हो जाए और उसका मेन स्टोरी पर कोई असर भी ना पड़े। तो इसका जो एक सीज़न है 7 Deadly Sins का, वो सिर्फ 4 एपिसोड का है और वो पूरा फिलर है। वो आपके ऊपर, अगर आपको देखना है कि ना देखो। और जिसके बाकी के 2 सीज़न है, मैं कसम से बता रहा हूँ, जब मैंने ख़त्म किया था ना 2nd सीज़न, मुझे पता ही नहीं लगा था मैंने कब में 2nd सीज़न ख़त्म कर दिया। मैं इतना इस एनिमे के अंदर खो गया था। और आपको खुशखबरी दे दूँ कि जब आप इसका 2nd सीज़न ख़त्म करोगे ना, तब आप ऐसे सस्पेंस में रह जाओगे कि आपका मन करेगा कि यार ये तो मुझे देखना ही है। और इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अभी जो अक्टूबर आ रहा है, इसके अंदर 10-11 तारीख को इसके सीज़न 4 का एपिसोड आने वाला है। मतलब इसका सीज़न 4 या सीज़न 3 कुछ भी कह लो, वो अक्टूबर में आ रहा है। तो आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, इस एनिमे को जल्दी से देख के ख़त्म कर देना। तो जैसे कि मैंने अब आपको बता दिया है थोड़ा बहुत, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टोरी के बारे में, इसके प्लॉट के बारे में। इसके अंदर देखो
एक मेन कैरेक्टर है हमारा मेलियोडस और इसकी एक टीम है जो जिस टीम का नाम है सेवन डेडली सिंस। उसके अंदर काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं, काफ़ी ऑसम कैरेक्टर हैं, जैसे हमारे राटेंजफ में शो था इसके अंदर मेलियोडस है, और इसके अंदर हाँ एक गाबू जैसा भी कैरेक्टर है जिसका नाम है बान। और जैसे कि आप लोगों को तो पता ही, अगर आप मेरे रेगुलर वॉचर हो, कि मैं गाबू के एटीट्यूड का कितना बड़ा दीवाना हूँ, तो मेरे को इस कैरेक्टर इस सीरीज़ के अंदर भी मेलियोडस से ज़्यादा बान अच्छा लगता है। उनके अंदर थोड़ी करेक्टर में सिमिलैरिटीज़ है बान और गाबू में, वो जब आप देखोगे आपको पता लग जाएगा। तो अगर मैं स्टोरी पर आता हूँ, इसकी एक टीम होती है मेलियोडस की जिसका नाम है सेवन डेडली सिन, और वहाँ का एक राजा होता है, उसे मार दिया जाता है। तो वहाँ का किंगडम के लोग समझते हैं कि मतलब पूरे सेवन डेडली सिंस ग्रुप ने राजा को मारा है, और उन्हें लगता है कि इन्होंने हमें धोखा दे दिया है। तो सेवन डेडली सिंस को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे कोई इनको विश्वास नहीं करता। तो गाइस यही हमें स्टार्टिंग में दिखाते हैं, और अगर मैं आपको इससे ज़्यादा कुछ बताऊँगा ना तो वो आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का मजाक करके रहा करूँ, क्योंकि जब मैं इसे देख रहा था मेरे दोस्तों ने इसे स्पॉइल कर दिया था मेरे लिए, और मुझे पता है वो दर्द कैसा होता है। तो जैसे मैंने आपको स्टोरी के बारे में थोड़ा कुछ बता दिया है, देखो मैं इससे ज़्यादा बता भी नहीं सकता क्योंकि वो फिर स्पॉइलर में आ जाएगा। और इसके मैं बता दूँ, इसके पहले सीज़न में 24 एपिसोड है एंड दूसरे सीज़न में भी 24 एपिसोड ही हैं। अगर देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको इस एनीमे को देखना है तो आप ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल देख रहे हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मैं आपको वहाँ पे, जैसे कोई भी मेरे को डीएम करेगा ना कि भाई लिंक दे दे, तो मैं वहाँ पे लिंक भेज दूँगा। अब आप कहोगे कि मैं सीधा यहाँ पे लिंक क्यों नहीं डाल रहा, देखो अभी इंडिया के अंदर लीगली कोई एनीमे देखने का तरीका नहीं है, और जो हम देखते हैं वो पायरेटेड साइट होती है, और मैं आपको पायरेटेड साइट का ही वो दे सकता हूँ लिंक अभी, क्योंकि यार देखो ये मेरे खुद के हाथ में नहीं है कि मैं आपको ढंग की जगह कर दूँ, और अगर मैं पायरेटेड साइट का दूँगा तो फिर वो दिक्कत हो सकती है मेरे चैनल के लिए भी। तो इसलिए मैं आपको इतना कहूँगा कि आप मेरे इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपको वहाँ पर इसका पूरा लिंक दे दूँगा, और आपको पूरा बताऊँगा कैसे देखना है आपको। अब हम बात करते हैं मेरे थोड़े पर्सनल ओपिनियन कि मुझे एनीमे कैसा लगा। देखो मैं इन शॉर्ट बोलूँ ना इस एनीमे को, कोई मुझे कहेगा ना कि वन वर्ड में इसे डिस्क्राइब कर, तो मैं कहूँगा ऑसम। यार एक कसम से मैं कह रहा हूँ, इडाट इन जंप के बाद मुझे कोई एनीमे पसंद आया है ना, मतलब इडाट इन जंप से भी ज़्यादा, तो वो यही है सेवन डेडली सिंस है। आप भी देखोगे सेवन डेडली सिंस को, तो इसकी स्टोरी ना बहुत ज़्यादा ही लाजवाब है। और जो खास करके इसके अंदर जो करेक्टर है ना, जो मैंने आपको बताया कि बान नाम का करेक्टर, वो तो मेरा इतना फेवरेट है, मैं आपको क्या बताऊँ। पता नहीं क्यों मेरा ऐसे है, मेरे को जो नेगेटिव लोग होते हैं, मतलब नेगेटिव नहीं, जो पॉजिटिव साइड रहते हैं, मतलब हमारे मेन हीरो की टीम में ही रहते हैं, लेकिन वो थोड़े ग्रीडी टाइप के होते हैं ना, समझ जैसे गाबू का एटीट्यूड था अपने में मस्त मगन रहना, वैसा ही हमारा बान भी है। उसके अंदर जो एटीट्यूड है, मतलब मैं हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ सबसे ऊपर, लेकिन बान के अंदर ये चीज़ नहीं है जो गाबू में थी ना, कि मैं ही हूँ सबसे ऊपर, वो बान के अंदर नहीं है। बान का सबसे अच्छा दोस्त है मेलियोडस, और एक टाइम जब आता है कि बान ये बात खुद कहता है कि मेलियोडस वो एक ऐसा बंदा है कि उसकी बान की गर्लफ्रेंड के बाद जिसे बान सबसे ज़्यादा चाहता है एज अ फ्रेंड। तो गाइस बस यही था मेरा ओपिनियन। अगर आपको ये एनीमे क्या जो मैंने आपको बताया, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन या रिव्यू जो भी दिया है, वैसे कुछ भी करो, अगर वो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। और इस बार ना मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइक गेम रखते हैं, सब लोग रखते हैं कि जैसे मान लो काफ़ी सारे लोग लाइक करते हैं, इस बार मैं आपको कहूँगा कि बस आप मेरा एक लाइक गेम पूरा कर देना, कि इस बार आप सिर्फ हम लाइक एम रखेंगे सिर्फ 10 लाइक्स का, आप किसी भी तरीके से वो 10 लाइक का एम पूरा करवा दीजिए। और गाइस मैं आपको कहूँगा, अगर आप मेरी तरह बच्चे हैं जो 90s के बीच में आते हैं, मतलब 20s के टाइम पे आते हैं, जो जैसे 2000 2001 2003 ऐसे जो आते हैं, इन्हें कोई यार 90s में नहीं गिनता। मैं हमारी जनरेशन के लिए लाऊंगा चाइल्डहुड मेमोरीज, और वो मैं लाऊंगा 1000 सब्सक्राइबर पे। वो 1000 सब्सक्राइबर पे मेरे बहुत सारे प्लान हैं, जैसे चाइल्डहुड मेमोरीज हो गया, Q&A हो गया, फेस कैम हो गया, तो ये सब 1000 सब्सक्राइबर पे आएगा। और अगर आपको वो सब जल्दी देखना है तो अपने दोस्तों को शेयर करो, उन्हें बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। देखो अभी हम कुछ 765 ऐसी समथिंग सब्सक्राइबर पे हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इतनी है। और अगर प्लीज़ जल्द से जल्द से शेयर करो, और अगर क्यों बोले मैंने, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। बाकी एंड में बस इतना ही आना चाहूँगा कि लव यू टीम इडाटेन।